हेलो फ्रेंड्स, हैंडमेड केटू कार्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर इनू बॉर्न बेबी के लिए कैप लेकर के आई हूँ। ये मैंने क्रोशिया से बनाया है। बहुत ही सुंदर इसकी डिजाइन है, कितना प्यारा इसका लुक है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है से जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कैप मैंने बनाई है ये 0 से 3 मंथ के बेबी को आसानी से हो जाएगी। तो अगर आप इससे बड़ा साइज बनाना चाहती हैं तो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप इसे बड़ा बना सकती हैं। बहुत ही आसान है बनाना। ये पुफ बना बना करके ये कैप तैयार की गई है। बहुत ही जल्दी बहुत आसानी से कैप बन करके तैयार हो जाती है। इसमें ऊन भी बहुत कम लगती है। देखिए कितना प्यारा इसका लुक है और न्यू बॉर्न बेबी पर तो बहुत ही क्यूट लगेगी ये कैप। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इस कैप को आप किसी भी दो कलर के कॉम्बिनेशन से बना सकती हैं। वैसे आप इसे एक कलर में भी बना सकती हैं, उससे भी बहुत खूबसूरत इसका लुक आएगा। तो इसे मैंने देखिए दो कलर से बनाया है। इसे बनाने के लिए मैंने 6 नंबर के क्रोशिया का यूज़ किया है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैजिक रिंग बनाएंगे। तो जैसे हम गांठ लगाते हैं इस तरह से, इसके अंदर डाल के छोटे सिरे को निकालेंगे और इसको अपने अंगूठे से दबा लेंगे। फिर क्रोशिया को सर्कल के अंदर डाल करके एक चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से अब हमारी ये मैजिक रिंग बन करके तैयार हो गई। देखिए इसको ढीला टाइट जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं, छोटे सिरे को खींच करके। अब यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन ऐसे हमारी डबल क्रोशिया काउंट होगी और सर्कल के अंदर डाल के हमें 10 डबल क्रोशिया बनानी है। डबल क्रोशिया बनाने के लिए हम क्रोशिया पे एक लूप लेंगे, फिर सर्कल के अंदर क्रोशिया को डालेंगे, लूप लेके बाहर आएंगे, क्रोशिया पे 3 फंदे हो जाएंगे, 2 2 फंदे हम 2 बार में निकालेंगे। हमारी डबल क्रोशिया होती है तो हमारे यहाँ पे 2 3 डबल क्रोशिया हो गई, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया हमने बना ली है। देखिए अब हम यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो चेन को काउंट करके टोटल हमारे यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया सर्कल में बनानी है। चेन बनाने के बाद हम 10 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इसमें। तो ये चूँकि मैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने 11 चेन डबल क्रोशिया से स्टार्ट किया है। अगर आप 0 से 3 मंथ की बेबी के लिए है ये कैप आसानी से उनको हो जाएगी। अगर आप उससे बड़े यानी कि 5 6 महीने से लेकर साल भर के बच्चे के लिए बनाना चाह रही हैं तो आप यहाँ पे आप 18 चेन डबल क्रोशिया बना करके स्टार्ट कीजिए। और उससे बड़े बच्चों को बनाने के लिए आप 22 डबल क्रोशिया बना करके आप स्टार्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारी 11 डबल क्रोशिया हो गई टोटल। 3 चेन बनाने के बाद हमने 10 डबल क्रोशिया बना ली है। अब इसको हम स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे। तो जब हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी तो हम ऊपर के 1st चेन में डालेंगे क्रोशिया को बिना लूप लिए और फिर लूप लेके बाहर आएंगे और एक बार में निकाल लेंगे। जो एक फंदा होगा क्रोशिया को उसमें से हम निकाल लेंगे एक बार में। तो हमारा सर्कल बन के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे दूसरे रो में हम फंदे बढ़ाएंगे। तो क्लोज करने के बाद हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे जो हमारा छोटा सिरा ओपन है जिससे हम सर्कल को हमने टाइट कर दिया खींच करके, उसको खींच के आपस के टाइट कर लीजिए। फिर इसी के साथ आप बुनाई में उसको साथ साथ बुन लीजिए। तो यहाँ पे 3 चेन बनाने के बाद फिर उसी 1st वाली चेन में ही हम डाल करके वहीं पे 1 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारी जितनी भी चेन दिख रही है सब में हमें 2 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो 1st वाली चेन में हमारी 3 चेन हमने बनाए, फिर 1 डबल क्रोशिया उसी में बना लिया, 2 डबल क्रोशिया होगी। और फिर नेक्स्ट चेन में भी डाल करके हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट चेन में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहली रो में हमारी 11 डबल क्रोशिया है, दूसरी रो में फिर हम दो सब में दो एक एक डबल क्रोशिया हम और बढ़ा लेंगे तो टोटल हमारे यहाँ पे 22 डबल क्रोशिया होगी। यानी कि हर चेन में हम 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो 11 फंदे दूसरी रो में और बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर 22 डबल क्रोशिया हो जाएगी। तो देखिए हमने ये दूसरी रो में कम्प्लीट कर ली। तो यहाँ पर हर चेन में हमने 2 2 डबल क्रोशिया बनाई है देखिए, तो टोटल यहाँ पर हम काउंट करेंगे तो हमारी 22 डबल क्रोशिया हो जाएगी। यानी कि 11 डबल क्रोशिया इस दूसरी रो में बढ़ गई है, ये टोटल 22 हो गई हमारे यहाँ पे। अब फिर हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे क्लोज करेंगे।
आप स्टार्टिंग वाले स्टेज पे इस तरह से कोई दूसरा कलर यहाँ पे लगा करके तब आप स्टार्ट कर सकती हैं, ताकि इसको अंदाज़ा रहे कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। जब लास्ट में आए तो आपको अंदाज़ा रहे कहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था। या कोई सेफ्टी पिन भी लगा के आप बना सकती हैं। देखिए इस तरह से जब कोई नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर इस तरह से दूसरा कलर लगा देंगे छोटा सा लगा, और फिर हम नेक्स्ट रो हम बुनना स्टार्ट करेंगे। इस समय जब इस तरह का सर्कल बनाते हैं तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने में आसानी रहती है जब लास्ट में आते हैं। अब फिर हम यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे। अब हम यहाँ पे एक में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसकी नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसकी नेक्स्ट चेन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसकी नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नीचे वाली चेन में हमने सभी चेन में दो दो डबल क्रोशिया बनाई थी, ऊपर वाली चेन में एक में हमें डबल क्रोशिया बनाना, दो डबल क्रोशिया बनाना है और एक में एक डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक में दो डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक में डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से हमें तीसरी रो कम्प्लीट करेंगे तो यहाँ पर भी हमारी टोटल 11 डबल क्रोशिया और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जब हम कम्प्लीट करेंगे सर्कल को तो टोटल हमारे पास 33 डबल क्रोशिया हो जाएगी। एक में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट में आएंगे तो इसको हम स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे। जहाँ पर धागा लगा हुआ है वही हमारी पहली स्टिच है, तो हम इसको स्लिप स्टिच से क्लोज करके फिर हम धागे को निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट रो बुनने के लिए फिर हम धागे को यहाँ लगा देंगे। इस रो में हमें क्या करना है, एक में हमें दो डबल क्रोशिया बनानी है और फिर दो चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, फिर उस तीसरी चेन में हमें दो डबल क्रोशिया बनानी है, फिर दो चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना के फिर तीसरी चेन में फिर दो डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसी तरह से हमें इस रो को कम्प्लीट करना है। नीचे वाली रो में हमने एक में एक डबल क्रोशिया बनाई है, फिर दूसरी में दो डबल क्रोशिया बनाई है। ऊपर वाली रो में एक में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन में दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर तीसरी चेन में फिर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन में दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर तीसरी चेन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फर्स्ट चेन में पहले हम तीन चेन बनाने के बाद उसी में एक और डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, नेक्स्ट की दो चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बना ली, इसकी नेक्स्ट चेन में फिर एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, और फिर जो आगे नेक्स्ट तीसरी चेन होगी उसमें हम दो डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया होगी फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह फिर अगले नेक्स्ट दो चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार एक डबल क्रोशिया बना ली, फिर उसके नेक्स्ट चेन में फिर हमने एक बार एक डबल क्रोशिया बनाई, फिर उसके नेक्स्ट तीसरी चेन में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे को हम इसी तरह से कम्प्लीट करेंगे। अब यहाँ पर भी हमारी 11 डबल क्रोशिया बन जाएगी। फिर लास्ट में हम इसको जहाँ पे हमने मार्क लगाया वहीं पे हम डाल के क्रोशिया को स्लिप स्टिच से इसको क्लोज करेंगे। ये भी राउंड हमारा बनके तैयार हो गया। यहाँ पे टोटल हमारी अब हो गई 44 डबल क्रोशिया। पहले बार में 11 थी, दूसरी बार में सब में हमने दो दो बनाया तो 22 हो गई, तीसरी बार में एक चेन एक में एक डबल दो डबल क्रोशिया फिर एक में एक डबल क्रोशिया करके बनाया है तो 33 हो गई, और दूसरी बार में एक में दो डबल क्रोशिया और फिर उसके बाद दो चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पर टोटल 44 डबल क्रोशिया हमारी हो गई है। अब हम यहाँ से डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए डिजाइन बनाने के लिए हम यहाँ पर एक चेन बनाकर इस लूप को थोड़ा सा लंबा करेंगे इस तरह से, फिर इसी जगह पे हम तीन बार हम क्रोशिया को डबल क्रोशिया की तरह हम उसमें डालेंगे, लेकिन हम उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, सिर्फ फंदों को रोक लेंगे और उसके बाद फिर हम एक बार में इसको निकाल लेंगे, फिर इसको इस तरह से हम क्लोज करेंगे एक चेन बना करके। फिर से एक बार देख लीजिए, लूप लेके उसके अंदर डालना है, फिर फंदों को रोक लेना है, फिर लूप लेके डालना है, फिर लेके बाहर आना है, फिर फंदों से फंदों को उसे रोक लेना है। तो इस तरह से हम तीन बार डालेंगे और फिर एक चेन बना के इसको हम क्लोज करेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे पुप बन जाएंगे। यहाँ पे दो पुप हमें एक में दो पुप बनाना है और दो चेन हमें स्किप करनी है। तीसरी चेन में डाल के फिर हम पुप बनाएंगे, लूप को थोड़ा सा लंबा लेंगे और फिर तीन बार हमें इसमें डाल के निकालना है और सभी को एक बार में निकाल के फिर चेन बना के इसको क्लोज कर देना है। एक लूप बन गई, फिर लूप लिया, फिर डाला, एक बार में निकाला, फिर ये दो बार में निकाला और ये तीन बार में। तो आप अगर इससे थोड़ा आप पुप की मोटाई देख लीजिए आपको कितना मोटा पुप रखना है,
उस हिसाब से आप इसमें लूप डाल के उतनी बार आप निकालिए। हम यहाँ पे 3 बार निकाल रहे हैं, आप 4 बार या 5 बार निकाल लीजिए। बहुत मोटी पुप अच्छी भी नहीं लगेगी, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कितनी पुप की मोटाई कितनी रखनी है आपको और खूबसूरत कितनी मोटाई पे लग रही है, उसी हिसाब से आप बना लीजिए। फिर 2 चेन स्किप करेंगे, फिर 3री चेन में हम फिर 2 पुप बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें इस रो को कंप्लीट करना है। दो दो चेन स्किप करने के बाद फिर 3री चेन में डाल के 2 पुप बनाना है। देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। आप चाहे तो यहीं से कलर चेंज कर सकती हैं, दूसरा कलर लगा सकती हैं। मैंने एक रो इससे बनाने के बाद फिर मैंने दूसरा कलर लगाया है। पूरी रो कंप्लीट करेंगे जब हम लास्ट में आएंगे, तो हम यहाँ पे धागे को चेन में दूसरे धागे कलर के धागे को चेन में हम इस तरह से फंसा के और फिर हम यहाँ पे पुफ पे डाल करके इसको स्लिप स्टिच से हम क्लोज करेंगे। जो 2 पुफ हमने बनाया है यहाँ पे स्टार्टिंग में, उसके बीच में डालेंगे हम और इस तरह से इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ पर हम हमारा ये सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया। हर बार जब हम लास्ट में आएंगे तो जो 2 पुफ हमने बनाया है उसी के बीच में डाल के हम उसके स्लिप स्टिच से क्लोज करना है। फिर लूप को हम चेन को हम थोड़ा सा बड़ा जो हमने लूप लिया है उसको हम बड़ा करेंगे और फिर इसमें से डाल करके हम 3 बार में हम निकाल लेंगे बिना बुने और फिर इसको एक चेन सभी फंदों को एक बार निकाल के एक चेन से क्लोज करेंगे। फिर दूसरी बार भी पुफ हम इसी तरह से बनाएंगे, 3 बार बिना बुने हम निकाल लेंगे क्रोशिया को उसमें से लूप लेकर और फिर सही फंदों को एक बार में निकाल के इसको क्लोज करना है। तो 2 पुफ इस तरह से बन गई। अब नेक्स्ट वाला जो 2 पुफ बना उसके बीच में भी डाल के इसी तरह से हम 2 पुफ बना लेंगे। अब नीचे जितने भी हमारे 2 पुफ बने हैं उसके बीच में डाल करके हमें ऊपर भी 2 पुफ बनाना है। तो इसी तरह से हम हर रो हम बनाते जाएंगे। नेक्स्ट रो पे लास्ट में आएंगे, फिर हम 2 पुफ जहाँ से स्टार्ट किया तो उसके बीच में डाल के हम क्लोज करेंगे उसको स्लिप स्टिच से और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। तो जितनी आपको लंबाई रखनी है कैप की उसके अकॉर्डिंग आप बनाते जाइए। बहुत ही आसान ये पैटर्न है, बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है कैप। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आता है, बिल्कुल उभरी उभरी डिजाइन आती है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। मैंने और भी बहुत सारी कैप अपने चैनल पर डाल रखी है, एक से एक खूबसूरत कैप है, उसकी पैटर्न आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेगी वैसी कैप उस डिजाइन की। तो आप वहाँ भी देख करके आप अगर कोई कैप बनाना चाहती हैं तो सर्च में डाल करके आप लिखिए हैंडमेड क्रिएटिव कॉर्नर, उसके आगे आप कैप लिख दीजिए। तो जितनी भी मैंने कैप अपने चैनल पर डाली हैं सबकी वीडियो एक साथ ओपन हो जाएंगी आपके मोबाइल में और फिर वहाँ से आप देख लीजिए आपको कौन सी कैप अच्छी लग रही है और फिर वो कैप आप आसानी से बना सकती हैं। अगर कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकती हैं। देखिए इस तरह से उन्हें बना लिया है। देखिए हमने 11 चेन ली थी, तो हमने जब चौथी वाली रो कंप्लीट की है तो उसमें जब हम ये फर्स्ट वाली जो हमने पुफ वाली रो बनाई है तो यहाँ पे लास्ट में हमारी 1 चेन हमारी एक्स्ट्रा बचेगी, तो उसको हम स्किप करके तब हम उसमें क्लोज करेंगे। लास्ट में जब हम आएंगे तो हमारी 1 चेन और बच जाएगी, 2 चेन बचनी चाहिए लेकिन हमारी 1 चेन बचेगी, हम 1 ही चेन को स्किप करके और पुफ में आ करके उसको हम क्लोज कर देंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें बनाते जाना है और अपनी लंबाई हम इसकी कैप की हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैंने टोटल ये 13 रो हमने बुन ली है पुफ से, लास्ट में हमने 2 रो ये ब्लू कलर से हमने बुनी है। देखिए इस तरह से इतनी गहराई है इसकी, इतनी चौड़ाई है, बहुत आसानी से ये 0 से 3 मंथ के बेबी को हो जाएगी। टोटल इसको काउंट करेंगे हम तो यहाँ पे हमने टोटल 13 रो हमने बनाई है।
11 रो हमारी इससे बनी है, 2 रो हमने उससे ब्लू कलर से बनाई है। अब फिर जब लास्ट में आएंगे तो इसको फिर हम यहाँ पे देखिए लास्ट वाले में हम यहाँ पे 2 पुफ निकाल लेंगे और उसके बाद इसको फिर हम क्लोज करेंगे। तीन बार हमें क्रोसिया पे लूप लेके और डालना है उसके अंदर गैप के अंदर, बीच में 2 पुफ के बीच में जो गैप है उसके अंदर डाल के और फिर सभी फंदों को एक बार में निकाल के क्लोज करना है एक चेन बना के। फिर यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग वाला जो पुफ है उसमें उसके बीच में डाल करके दोनों पुफ के बीच में इसको हम क्लोज करेंगे स्लिप स्टिच से। अब हम लास्ट जो बनाएंगे तो यहाँ पर जितनी चेन बनी है सब में हमें एक एक सिंगल क्रोसिया हम बुन लेंगे इस तरह से एक चेन बना करके। फिर जितनी चेन हमें दिख रही है पुफ पर हमें जो चेन दिख रही है उसके बाद जो हमें चेन दिख रही है पुफ के साइड में सब में हम एक एक सिंगल क्रोसिया बनाएंगे। सिंगल क्रोसिया बनाने के लिए बिना लूप लिए हमें चेन के अंदर डालना है क्रोसिया को, लूप लेके बाहर आना है, 2 फंदे होंगे उनको एक बार में निकालना है, तो हमारी सिंगल क्रोसिया हो गई। इसी तरह से जितनी भी चेन हमें दिख रही है इसके ऊपर हम सब में हम एक एक सिंगल क्रोसिया हम बना लेंगे। देखिए इस तरह से बन करके आएगा सिंगल क्रोसिया जो इसके ऊपर बनाएंगे। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे पूरे सर्कल में सिंगल क्रोसिया बनने के बाद लास्ट में इसको फिर हम स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां पे। फिर एक रो हम और बुनेंगे लास्ट रो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक चेन लेंगे फिर नेक्स्ट चेन में डाल करके एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, यानी बिना लूप लिए डालना है और निकाल लेना है फंदे में से। फिर एक चेन लेना है फिर नेक्स्ट चेन में डालना है क्रोसिया को बिना लूप लिए और निकाल के लाना है, एक बार में निकाल लेना है। तो इस रो को हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है, एक चेन लेना है और एक स्लिप स्टिच बनानी है, फिर एक चेन लेना है फिर एक स्लिप स्टिच बनानी है नेक्स्ट चेन में। तो इसी तरह से हम इसको हम पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए एक चेन लेना है फिर नेक्स्ट चेन में बिना लूप लिए हम क्रोसिया को डालेंगे चेन के अंदर, लूप लेके बाहर आएंगे, फिर जो फंदा होगा उसमें से एक बार में हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी ये कैप बन करके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स ये रो हमने कंप्लीट कर ली, उसके बाद हमने लास्ट में धागे को हमने काट दिया है। देखिए इस तरह से बन करके आया है। देखिए फ्रेंड्स पूरी कैप बन करके तैयार हो गई है। इसमें मैंने छोटा सा फ्लावर बनाया है बना के लगाया है, आप कोई भी इसमें फ्लावर बना करके इस पर लगा सकती हैं या कोई शो बटन भी आप यहाँ बीच में लगा सकती हैं यहाँ पे साइड में, और बिना शो बटन आप कुछ भी ना लगाइए तब भी बहुत ही खूबसूरत इसका लुक है, बहुत ही खूबसूरत ये कैप लग रही है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पर सबसे पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाऊँ आप उसे देख सकें, और पास में जो बेल आइकन है तो उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, मैं कोई भी नया वीडियो डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत कैप बन करके तैयार हुई है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये कैप। तब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।